भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि अब नए रास्तों से घुसपैठ होने लगी है। ये घुसपैठ कहाँ से हो रही है, क्या इनसाइड स्टोरी है, इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चौकसी भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बीएसएफ की इस चौकसी से परेशान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नए नए रास्ते खोजना भी शुरू कर दिया है। एक ऐसे ही रास्ते का खुलासा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए एक बांग्लादेशी नागरिक ने किया है। यहां पर हैरानी की बात तो ये है कि चंद रुपए के लालच में कुछ भारतीय नागरिक घुसपैठ के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों को रास्ते बता रहे हैं। डीसीपी उषा की तरफ से एक खुलासा किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है, ये 4 अगस्त का खुलासा है। 4 अगस्त को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एक बांग्लादेशी नागरिक को कार्रवाई के लिए आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस के सुपुर्द किया था। इसका नाम था मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब हसन नाम के इस बांग्लादेशी नागरिक को इस्तांबुल के रास्ते माल्टा से डिपोर्ट करके भेजा गया था। एयरपोर्ट पहुंचने पर इसके कब्जे से एक भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया गया, जिसमें इसका नाम अबू हसन शेख और पता पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर का दर्ज किया गया था। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि आरोपी मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह खुलासा किया कि कुछ साल पहले तक मजदूरी के सहारे उसकी गृहस्थी चलती थी, यानी कि उसका घर चलता था, और कड़ी मेहनत करने के बावजूद इसके लिए 2 जून की रोटी कमा पाना भी मुश्किल हो रहा था। और कुछ साल पहले एक रिश्तेदार के जरिए उसे पश्चिम बंगाल के मीर अनवर हसन के बारे में पता चला, जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट दिलाकर विदेश भेजने का काम किया करता था। विदेश जाने की चाहत में उसने मीर अनवर हसन से संपर्क किया। मीर हसन ने उसे विदेश भेजने के एवज में 2 लाख रुपये की डिमांड की और विदेश जाने के लिए उसे अपने जीवन की पूरी पूंजी मीर अनवर के सुपुर्द कर दी। इसके बाद मीर ने गैरकानूनी तरीके से नदी के रास्ते भारत में दाखिल होने की उसकी व्यवस्था करवाई। मीर के बुलावे पर वह नदी के रास्ते घुसपैठ कर भारत में दाखिल हो गया। भारत में दाखिल होने के बाद वह कुछ दिनों तक पश्चिम बंगाल में ही रहा। इस बीच मीर ने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित दूसरे दस्तावेजों की व्यवस्था भी कर दी और इन्हीं दस्तावेजों पर उसके लिए पासपोर्ट भी जारी करवा दिया गया। पासपोर्ट आने के कुछ दिनों के बाद दुबई और माल्टा के वीजा की भी व्यवस्था कर दी गई और वह मुंबई एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो गया। दुबई में 8-9 महीने रहने के बाद वह माल्टा चला गया, जहाँ पर करीब 2 साल तक वो वहाँ पर रहा है। और माल्टा में रहते हुए उसने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर दिया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। वहीं खबर मिलते ही माल्टा की सुरक्षा एजेंसियों ने साकिब को हिरासत में लेकर भारत के लिए उसे डिपोर्ट कर दिया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते ही ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने साकिब को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पुलिस के उसे हवाले कर दिया। साकिब के खुलासे के आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से मीर अनवर हसन को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीकों से कुछ भारतीय लोग ही इलीगल काम कर रहे हैं और बॉर्डर से आप देखिए कि किस तरीके से अब नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं घुसपैठ करने के लिए। आपको कैसी खबरें देखना पसंद है, आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमें कॉमेंट कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 8 इंडिया के साथ।